जो लोग बिना टिकट के अपना एसी में चढ़े थे उनको सभी लोगों का भी दबोचा गया है। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करिएगा तो आपको कहना चाहेंगे कि मज़ा आया, और ये मज़ा मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को देना चाहता हूँ। पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एसी में सफ़र करते हैं तो फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता है मतलब। और अब जाके बिल्कुल ऑन टाइम 9:05 पे अपनी ट्रेन, जिस वजह से 700 का फाइन देना पड़ा था हमको। हम तो आपको समझा ही ना सकते हैं दोस्त, क्या कमाल करना चाह रहा है दोस्तों। नीचे से कोई दूसरी ट्रेन निकल रही है और ऊपर से अपनी मगध एक्सप्रेस निकल रही है। नीचे कौन सी ट्रेन है पता नहीं, बाकी हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच ही गए हैं। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी बची हुई है या फिर 3 किलोमीटर की। ये देख रहे हैं गजब का नजारा है भाई, ऊपर अपनी ट्रेन नीचे कोई दूसरी ट्रेन। ये देखो भाई B2 का भी वही हाल कर दिया है लोगों ने। नीचे में पूरे जो है फर्श पे पूरा पानी पानी आ चुका है, और ये जो वॉश बेसिन है ये देख रहे हैं पूरा जाम कर दिया है, पूरा पानी भर चुका है भाई। मतलब किस एंगल से ये थर्ड एसी का कोच लगेगा भाई, पूरा पानी एकदम कचरा कर दिए हैं भाई। बताओ यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार इंडिया में। मतलब अपना जिस कोच में सफ़र कर रहे हैं उसी कोच को गंदा कर रहे हैं, मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अभी दोस्तों वंदे भारत आ रही है और समय जो है अभी 8:50 हो रहे हैं। गेस करिए कौन सी वंदे भारत होगी। हम तो नाम नहीं बताएंगे, आप ही गेस करके कमेंट में बताइए वो कौन सी वंदे भारत निकली। अभी समय जो है अभी 8:50 हो रहे हैं, जस्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय से अपनी वंदे भारत निकली थी और अभी तक अपना ट्रेन रुका ही है अभी तक। जैसा हमने आपको बोला था दोस्तों कि जब ही ट्रेन लेट होती है, लेट नहीं बिफोर चलती है, तो उसको आउटर पे रोका जाता है। अपनी ट्रेन को काफ़ी देर लगभग आधे घंटे आउटर पे रोका गया था, और अब जाके बिल्कुल ऑन टाइम 9:05 पे अपनी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच चुकी है। बाकी ट्रेन ने अभी तक दूरी तय कर ली है 787 किलोमीटर की, और अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय में जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो फल फूल तो मिलता ही है, लेकिन लीची का सीज़न आ चुका है तो अब यहाँ पे आपको जो है लीची भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप लीची उची खाने के शौकीन हैं तो लीची भी ले सकते हैं, बल्कि 160 रुपये किलो लीची मिल रहा है यहाँ पे। अभी भी अपन लोग की जो दूरी बची हुई है वो 211 किलोमीटर की दूरी बची हुई है, क्योंकि हम तो भैया पटना तक में जर्नी करेंगे, लेकिन ट्रेन तो अपनी आपको पता ही है इस्लामपुर तक जाएगी जो कि बिहार में ही पड़ता है। और यहाँ पे स्टॉपेज की बात करें तो 5 मिनट का स्टॉपेज है और अपनी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है भाई। बाकी अभी तक हमने आपको ट्रेन के बारे में कुछ डिटेल नहीं समझाया, जो कितने बजे ट्रेन खुलती है, कितने बजे इस्लामपुर पहुँचती है, और भी काफ़ी सारी डिटेलें हैं वो सब थोड़ा अंदर चलते हैं। बाकी गर्मी बहुत लग रही है हमको, अंदर जाते ही सब डिटेल आपको अच्छे से समझाएंगे। बाकी ठंडा ठंडा पानी का बोतल ले ली हम मात्र 10 रुपये में, वो जो काउंटर बना रहता है ना वो सही रहता है, लेकिन नहीं तो दुकान से बहुत महंगा पड़ता है, और मात्र 10 रुपये में पूरा 2 लीटर का बोतल भर लिए हैं और हर रास्ता पीते हुए भाई जाएंगे। और दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये है अपनी दून एक्सप्रेस, इसमें भी हमने जर्नी की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भैया ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए भैया अपनी ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से निकल चुकी है लगभग 7 मिनट की देरी से, और गर्मी से तो हालत ख़राब है। बाकी अब अपने ट्रेन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। ट्रेन जो है रोजाना चलती है नई दिल्ली से इस्लामपुर के बीच, और ये रेक भी शेयर करती है भैया एक दूसरी ट्रेन के साथ जो कि इस्लामपुर से हटिया के बीच चलती है। बाकी इसके खुलने का समय नई दिल्ली में 9:05 पे, इस्लामपुर पहुँचाने का समय है 3:25 पे। एवरेज टाइम जो कवर करती है 18:20 का इस्लामपुर तक का, लेकिन हम भैया तो पटना तक ना रहेंगे तो हमको थोड़ा 12:55 तक हम पटना उतर जाएंगे। और स्पीड की बात करें तो आपको तो पता ही है भैया LHB कोच है तो 130 तक स्पीड जा सकता है, और मिनिमम 51 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बाकी स्टॉप की बात करें तो 25 स्टॉप इसके रहने वाले हैं, और फर्स्ट इसका जो रन हुआ था वो 26 जनवरी 1989 की ऐसे कुछ हुआ था।
बाकी इसका इसमें जो है एसी के फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल सारे कुछ लगाए गए हैं, तो सबका अलग अलग फेयर होने वाला है। फेयर भी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्योंकि अभी भूल गए हैं, उतना कंफर्म नहीं है, इसीलिए दोस्त स्क्रीन पर आपको दिखा दिए। बाकी हम लोग मिलेंगे अब इसके बाद जो है इसका जामिया में स्टॉप होने, सॉरी जामिया से पहले दिलदार नगर है, दिलदार नगर के बाद जामिया स्टॉप होगा, तो मिलते हैं सीधा आप सभी को दिलदार नगर में। और एक और बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पहले काफ़ी सारे लोकल वेंडर जो थे ट्रेन में चढ़े थे, और अभी यहाँ पे देखिए काफ़ी उतर भी गए हैं, तो जो अपना नाश्ता वगैरह खाना वाना बेच रहे थे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो ट्रेन के अंदर ऑन बोर्ड कैटरिंग है उनके, वो जो स्टाफ है उन्हीं से खाना पीना लीजिएगा, बाहर के जो हों उनसे मत लीजिएगा, वो तो आपका चॉइस है भाई, हम तो आपको समझा ही ना सकते हैं दोस्त, लेकिन हमने तो कुछ नहीं लिया। तो दोस्तों अभी हमने जो है जामुन लिए हैं, ब्लैक ब्लैक, ये देखिए, अब देखिए अंदर में खाने में नहीं बन रहा था, गुठली कहाँ फेंकते, शीशा पूरा फेंक है भैया, स्लीपर में तो या फिर जनरल में तो सफ़र नहीं कर रहे हैं, जो खाए अब से फेंक दिए, इसको पहले खाना पड़ेगा और बिच्ची को बाहर फेंकना पड़ेगा, वहाँ डस्टबिन थोड़ी ना है, जो कचरा वैसे कोच में नहीं करते हम, बहुत साफ़ सुथरा आदमी है यार, खुद भी साफ रहते हैं और ट्रेन को भी साफ़ करते हैं, हम नहीं है दूसरी की तरह जो कोच को गंदा करते हैं। मस्त भाई, तो भैया फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं दिलदार नगर जंक्शन। पहले हमने बोला था कि पहले दिलदार नगर आएगा फिर जामिया आएगा, तो ऐसा नहीं था, पहले जामिया आया फिर दिलदार नगर आया। अभी ट्रेन भी अपनी हॉर्न दे चुकी है, बस ट्रेन खुली जाएगी। अंदर में क्या मस्त एसी चल रहा है, और बाहर में तो भैया गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, एकदम धूप जो है सर पे आ चुका है। 10:00 अभी जो है 20 मिनट होने वाले हैं और ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है, बस 5 मिनट की देरी से चल रही है। चलिए ट्रेन भी खुल चुकी है, निकलते हैं। बाकी दिलदार नगर से इसका अगला स्टॉप जो है बक्सर आने वाला है, बक्सर जो कि मात्र 34 किलोमीटर बाद बक्सर पहुँचेगा। बाकी ट्रेन अपनी निकल चुकी है दिलदार नगर से, B3 कोच, और ये है अपना कोच। एसी में सफ़र करते हैं तो फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता है, मतलब अंदर में एकदम राहत न मिलता है दोस्त, अभी बाहर जाते ही गर्मी से एकदम बदन चलने लगता है, मन नहीं करता है जो एसी से निकले, ढूके रहे एसी, लेकिन आपको तो सब चीज़ ना दिखाना पड़ेगा। जामिया थोड़ा छूट गया, उधर से बाथरूम में चल गए थे यार, अब इसके बाद बक्सर आएगा, बक्सर में मिलते हैं आप लोगों को हमसे। बाकी ट्रेन एकदम एक नंबर है, अगर आपको दिल्ली से पटना सफ़र करना है इस ट्रेन में तो करिए बिल्कुल, आपको टिकट भी मिल जाएगी थर्ड एसी की या फिर स्लीपर की, अगर कोई है जान पहचान का, मतलब उस लेवल में टिकट काट सकता है जो तुरंत आपको टिकट दिलवा दे। जैसे एक दिन के अंदर हमको सीट कंफर्म मिल गई, बस आरएसी हो गया था, लेकिन टीटी साहब ने मैनेज करके महिला को जो है दूसरी सीट प्रोवाइड कर दी और अपना सीट पूरा खाली हो गया और हम अपने सीट पर आराम से सो के आए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भैया, हमारी ट्रेन हमको पहुंचा दी है बक्सर, जो कि बिहार में पड़ता है, आपको तो पता ही है, इसे पिछले वाला वीडियो देखेंगे उसमें तो बक्सर का जिक्र कर भी किए थे, अपनी जो वाराणसी से पटना तक यात्रा किए थे। बाकी इसके पीछे जो है काफ़ी सारी ट्रेनें हैं, जैसे कि एक हो गया, कौन सी ट्रेन थी यार भूल गए, हाँ भागलपुर छपड़ा एक्सप्रेस जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में थी, और उसके बाद उसके पीछे एक और ट्रेन है अपनी बरौनी एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद से बरौनी की भी चलती है, और उधर से कोई भी ट्रेन अभी आने वाली नहीं है, और पीछे से देखते हैं इस ट्रेन को कोई ओवरटेक करती है कि नहीं, क्योंकि पीछे दो दो ट्रेन है अभी इसके, भागलपुर वाला और एक फिर सूरत छपड़ा वाला। बाकी बक्सर से कौन कौन देख रहा है हमको थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बक्सर में भी है हमारे चाहने वाले कि नहीं, थोड़ा कमेंट करिएगा भैया। आपको बताना भूल गए, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करिएगा तो आपको कहना चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद इसके जो है काफ़ी सारे स्टॉपेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिहार में एंट्री मिलते ही काफ़ी सारे छोटे बड़े सब स्टेशन पर रुकते हुए चलते हैं, पंडित दीनदयाल के बाद
पानी किया और भी कई सारे छोटे बड़े स्टेशन है पूरा इस्लामपुर तक, तो सारे स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है। तो जितने भी लोग होते हैं एसी में भी चढ़ जाते हैं, लेकिन चढ़ने के बावजूद भी आपके कोच के अंदर नहीं आएंगे, वो अपने गेट पर ही रहेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, आप अपनी सीट पर ही रहिएगा। जो भी लोग चढ़ेंगे लोकल वो अपने गेट तक रहेंगे, आपके अंदर नहीं होते। क्योंकि हम लोग अभी 11:00 है, किसी देर में अभी ट्रेन 12 पहुँचने वाली है भाई। नाउ दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपने बिहार के आरा में और ट्रेन अपनी जो है 27 मिनट यानी कि आधा घंटा मानिए आधे घंटे की देरी से चल रही है। बीच में एक जगह और रुक गई थी और जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपनी निकल रही थी श्रमजीवी एक्सप्रेस, जो कि राजगीर से नई दिल्ली के बीच चलते। भाई उसके जर्नल क्लास में कितना भीड़ था, बाप रे बाप, हमारे तो देखिए कि शौक हो गया। आज तक जर्नी नहीं किया श्रमजीवी में, लेकिन एक ना एक दिन करेंगे जर्नल क्लास में। बाकी ट्रेन का सिग्नल हो गया है अपनी आरा जंक्शन से, निकलते हैं फिर से हम लोग, सीधा मिलेंगे आपको दानापुर में। बीच में इसका एक स्टॉप रहने वाला है बीटा में, बीटा के बाद सीधा दानापुर, फुलवारी शरीफ और सीधा पटना। आरा से दोस्तों अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और आरा में भी काफी सारे लोग चढ़े हैं और काफी सारे उतरे हैं। पता नहीं उधर कौन सी ट्रेन थी, लेकिन हमको क्या, चढ़ने दीजिए उतरने दीजिए, अपना सीट तो भाई कन्फर्म करना। जर्नल में सफ़र करते तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। बस उसके बाद बीटा आएगा, बीटा के बाद दानापुर, फुलवारी शरीफ और फिर पटना हम लोग पहुंच जाएंगे। लगभग ट्रेन 27 मिनट लेट हो चुकी है, देखते हैं ट्रेन टाइम कवर कर पाती है कि नहीं। बाकी उधर से कुछ दूसरी ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है भाई। तो अभी अपनी ट्रेन जो है दानापुर से निकल चुकी है, दानापुर पहुंचे थे हम, लगभग 33 मिनट की देरी से ट्रेन चल रही थी, तब 28 मिनट लेट था, अभी 33 मिनट हो चुका है। सोचे थे ट्रेन टाइम कवर कर लेगी, लेकिन ट्रेन ने अभी तक टाइम कवर नहीं किया है और मात्र 10 किलोमीटर की दूरी बची हुई है अपनी पटना की। वैसे इस रूट पे सबसे बेस्ट ट्रेन तो एक ही लगती है, वो है अपनी संपूर्ण क्रांति। उस ट्रेन को टक्कर देने के लिए ना अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई है, मतलब तेजस राजधानी तो है ही, मतलब आम जनता के लिए जो बोल रहे हैं, आम जनता के लिए एक वही ट्रेन है जो 12 से 12:30 घंटे में दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली पहुंचती है। लेकिन अपनी जो ये जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं मगध एक्सप्रेस में, ये ट्रेन काफ़ी टाइम ले लेती है, लगभग 16 घंटे का टाइम लेती है दिल्ली से पटना तक का सफ़र करने में, और इधर से भी और उधर से भी। बाकी अभी टाइम जो है 1:15 बाकी है, वैसे जो टाइम था पहुँचाने का पटना में 12:55 में, देखिए 12:55 में ट्रेन पहुँचाती है कि नहीं। बीच में एक स्टॉप भी आने वाला है इसका फुलवारी शरीफ, फुलवारी शरीफ के बाद हम लोग पटना पहुँचेंगे। टिकट पटना तक है, लेकिन हम सफ़र करेंगे राजेंद्र नगर तक, क्योंकि उतरना भाई वहीं है। तो भैया हम लोग अपने डेस्टिनेशन बोले तो पटना पहुँच चुके हैं, बिहार की राजधानी। वैसे तो टिकट यहीं तक था, लेकिन ट्रैवल करेंगे भैया अपना राजेंद्र नगर तक। बस 2 मिनट का, मतलब 2 किलोमीटर का फ़र्क है। अब यहाँ से उतर के फिर बाहर जाओ ऑटो लो, अलग लफड़ा हो जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ से अपना राजेंद्र नगर जाएंगे और वहाँ से अपना रूम चले जाएंगे भैया, क्योंकि हम पटने में रहते हैं। बाकी जर्नी कुछ ऐसी थी आपने देखा ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अभी एंड नहीं कर रहे हैं, एंड तो भैया राजेंद्र नगर में करेंगे। बाकी ट्रेन अपनी पहुँच चुके, काफ़ी सारे यहाँ पे यात्री जो थे जिन्होंने पटना तक का टिकट कटाया था, जिनको पटना उतरना था वो उतर चुके हैं। बाकी ट्रेन अपनी जो है लगभग 5 मिनट कह सकते हैं, 5 मिनट की देरी से पटना जंक्शन पहुँची है। वैसे तो ट्रेन लेट हो गई थी आधे घंटे हमने बताया, लेकिन यहाँ आते आते ट्रेन ने टाइम कवर कर लिया। नहीं तो मतलब दानापुर से ट्रेन को यहाँ आने में काफ़ी समय दिया गया है, उस वजह से ट्रेन जो है अपना टाइम कवर कर ली। बाकी कुछ ही देर में यहाँ पे स्टॉप जो है इसका 10 मिनट का स्टॉप रहने वाला है और 10 मिनट बाद ट्रेन यहाँ से खुल जाएगी। बाकी जर्नी हमारी कमाल की थी भैया, एसी क्लास में पहली बार सफ़र की एसी वाली ट्रेन में, नहीं तो आज तक तो सिर्फ भैया जर्नलों के धक्के खाते आ रहे थे। बाकी एक और घटना हम आपको बता देते हैं, एक बार हुआ क्या था, हम सुल्तानपुर से अयोध्या से जब लौट रहे थे तो एक कौन सी ट्रेन थी, श्रमजीवी एक्सप्रेस थी, उसके जो हम एसी कोच में चले गए थे जनरल का टिकट लेके, और जब उधर से निकले भाई टीटी साहब ने पकड़ लिया और फाइन देना पड़ा था। मतलब टिकट था मेरे पास जनरल का, सिर्फ
क्या बोलते हैं, एसी ट्रेन से निकले थे, एसी वाले कोच से, जिस वजह से 700 का फाइन देना पड़ा था हमको। उस टाइम भर मजबूर थे, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाए, अलग ही टेंशन हो गया था हमको, जिस कुछ और टेंशन था जिस वजह से दे दिए। थोड़ा रोना भी आया, साला 700 रुपया चला गया, टिकट था मेरे पास फिर भी, लेकिन खैर छोड़िए, एक छोटी सी घटना थी जो हमने आपको बता दी। जंक्शन से तो अपना ट्रेन का डिपार्चर हो गया है, बस कुछ देर में भाई हम लोग पहुंच जाएंगे अपने राजेंद्र नगर। बाकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो है ट्रेन को काफ़ी सारे स्टेशनों पे रोका जाता था, मतलब रोका जाता है, जैसे स्टॉपेज दिए गए हैं छोटे बड़े जो भी स्टेशन है सभी स्टेशन पे, और पूरा इस्लामपुर तक जो है जितने भी स्टेशन बीच में अभी पड़ेंगे, इसके बाद राजेंद्र नगर होगा वहाँ पर रुकेगी, पटना साहिब रुकेगी, फतवा जंक्शन रुकेगी, और फिर फतवा जंक्शन से इसका रूट कट जाता है सीधा इस्लामपुर की तरफ। तो कई सारे छोटे बड़े स्टेशन होंगे, तो सभी स्टेशनों को रुकते हुए ट्रेन जाएगी, क्योंकि ट्रेन का पहुंचाने का टाइम है, हमने आपको तो बताया ही, 3:25 पे ट्रेन इस्लामपुर पहुंच जाएगी, और तो राइट टाइम है और राइट टाइम ही पहुंच जाएगी। Now we are in राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग अपने अंतिम डेस्टिनेशन, मतलब मेरे लिए तो अंतिम डेस्टिनेशन है ना, मतलब अंतिम डेस्टिनेशन है ही ना, वैसे ट्रेन तो इस्लामपुर जाएगी लेकिन जर्नी हम लोगों ने यहीं तक की राजेंद्र नगर टर्मिनल तक, और काफ़ी सारे यात्री जो हैं यहाँ पे अभी चढ़े हैं, क्योंकि भैया एक तरह से अब ये लोकल बन के जाएगी भाई, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर अभी यहाँ पे बोर्ड करने वाले हैं। बाकी आप लोगों को ये ट्रेन जर्नी, ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने अपने दोस्त को बुलाया था, अभी तक अपना दोस्त भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया यार। अभी देखिए काफ़ी सारे लोगों को जो है पकड़ा गया है पीछे में, पता नहीं कि और जैसा अभी आपने देखा, जो लोग बिना टिकट के अपना एसी में चढ़े थे उनको सभी लोगों को अभी दबोचा गया है, सभी लोगों को आरपीएफ ने पकड़ लिया है, टीटी साहब ने भी काफ़ी लोगों को पकड़ा है, इसीलिए कभी भी बिना टिकट यात्रा मत करिएगा। बाकी अपनी ट्रेन जो है मगध एक्सप्रेस निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, अब सीधा रवाना होगी ये इस्लामपुर के लिए। अभी जो है 1:30 बज चुके हैं तक हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। बाकी आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। आपने बोला था ना जो भाई कब एसी में ट्रैवल करोगे, कब एसी में ट्रैवल करोगे, तो देखिए भाई ये थी हमारी एसी वाली ट्रेन जर्नी, कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा जरूर। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रेन जर्नी के साथ। बाकी हमारे साथ एक और भाई थे जो साथ में ट्रैवल किए, हाय कीजिए एक बार इनको, मैंने दिखाया नहीं था लेकिन साथ में बातचीत करते हुए हम लोग आए। बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। बाकी लास्ट में आप सबको एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि एसी में जर्नी करके ना भैया मज़ा आया, और ये मज़ा मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोग लेना चाहते हैं तो आइएगा राजेंद्र नगर, आपको भी दिला देंगे एसी का मज़ा, ठीक है।